मुझे पूरा यकीन है दुआ धमका रही होगी मेरी गजल को। ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं बता सकती थी? मेरा दिल कह रहा गजल दुआ के साथ महफूज नहीं है। मैं जा रही हूं उसे लाने के लिए। क्या हुआ बेटा? हाथ उठाया तुम पर? बात क्या है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? जाके रुहान के सामने अपनी हकीकत कबूल कर लो। इधर रुहान तुम्हारे साए से आजाद होगा और उधर मैं हैदर डिजाइन्स के लिए काम करना शुरू कर दूंगी। बोलो ना गजल। अम्मी अब गजल अम्मी की बाहों में रोकर ये कौन सा नया खेल खेल रही है? मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बता मुझे, बोल क्या हुआ? बताएगी क्या कहा इस कलमुही ने? अम्मी, अम्मी इसने वही किया जो ये हमेशा करती है, मेरा मजाक बनाना, जलील करने की साजिश करना। अम्मी, अम्मी मुझे नहीं जीना है, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अम्मी जो ऐसी बुरी बात अपनी जुबान पे लाई तो मरे तेरे दुश्मन। सच सच बता क्या बोली है? अम्मी दुआ चाहती है कि मैं फिर से इसके कदमों में अपनी नाक रगड़ू। ताकि ये हैदर डिजाइन्स में काम करने के लिए मान जाए। अम्मी मैंने इसे चुप, खामोश, एक लफ्ज भी कहा ना गजल के खिलाफ तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। मम्मी दुश्मनी में इतनी अंधी हो गई हो तुम दुआ, इंसानियत तक भूल गई हो, कुछ नहीं दिखाई देता ना तुम्हें, बस इसे जलील करना चाहती हो तुम। किसी इंसान को इतना भी मत सताओ दुआ कि दोजख में भी जगह न मिले तुम्हें। अम्मी, अम्मी, अम्मी रहने दीजिए, मैं आपके लिए, इस घर के लिए, हैदर के लिए और इस कारोबार के लिए फिर से इसके कदमों में गिरने के लिए तैयार हूं। मैं मान लेती हूँ अम्मी कि मैं इंसान नहीं जानवर हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ठोकरे खाने के लिए इस घर में आई है। जितना मैं सोचती हूँ इससे कई ज्यादा होशियार है ये बला, अभी इसकी होशियारी निकालती हूँ। मैंने इसे बेटा मेरी बात मान, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी आप मुझे मत रोकिए, जो दुआ चाहती है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये क्या बोल रही है तुम? ऐसा ना करो, दूर हटो, दूर हटो, मैंने कहा बंद करो अपना ये नाटक। क्या क्या करियो? मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। दुख क्यों?
हटो यहाँ से। मेरी कमर पहले ही टूट चुकी है, टूट के चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कारोबार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। को इस तरह जलील करने की कोई जरूरत नहीं है आजाद। पहले भी मैंने तुम्हें इस तरह मजबूर किया था, उस वक्त तुम्हारी गलती थी, अब तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नहीं हैदर, हो जाने दीजिए मुझे जलील, वरना ये दुआ काम करने के लिए राजी नहीं होगी, और ये हमारे कारोबार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी इंसान की इज्जत होती है, और कोई भी कारोबार इतना भी जरूरी नहीं कि किसी भी इंसान की इज्जत से बढ़कर हो। मैं जानता हूँ कि फैशन वीक से मिलने वाला टेंडर हैदर डिजाइन के लिए बहुत बहुत जरूरी है, मगर इसके लिए मैं किसी भी इंसान की जिंदगी से समझौता नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो खुदा मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगा। हैदर, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने इसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोला। तुमसे अब कोई दलील नहीं चाहिए दुआ, तुम्हें एहसास नहीं ना कि तुमने क्या किया है। कुछ नहीं बोलोगी तुम, मैं जानता हूं कि तुम हैदर डिजाइन्स के लिए उतनी जरूरी हो जितनी जरूरी प्यास से मरते हुए इंसान के लिए पानी आता है। मैंने मिन्नतें की तुम्हारे सामने हाथ छोड़े, लेकिन फिर भी तुम हैदर डिजाइन्स के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो ना सही। मुझे अपना नुकसान मंजूर है, लेकिन किसी इंसान का भी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाना मंजूर नहीं है। बात तो
तुम्हें कॉलेज जाना है ना, आओ मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ क्या होता है हफीज, पहुँचा देता हूँ, ऐसे बोला करो ना। जी हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, आइए आपको कॉलेज पहुँचा देते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ। क्या हुआ कायनात, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हफीज, मैंने हैदर भाईजान को ब्राइडल फैशन वीक के लिए रात रात भर काम करते हुए देखा है, और आज जब उनका ख्वाब पूरा होने वाला है तो दुआ भाभी उनके साथ काम करने से मना कर रही है। ये फैशन वीक हैदर डिजाइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हफीज, दुआ भाभी ऐसा क्यों कर रही है? तुम जानती हो बाजी को, अगर वो ऐसा कुछ कर रही है तो कोई वजह होगी। ऐसी भी क्या वजह हो सकती है हफीज, जो वो अपनी फर्म में काम नहीं कर सकती। सोचा था कि हैदर डिजाइंस में काम ना करने की जिद का सहारा लेकर मैं रूहान को गजल के चंगुल से छुड़ा लूंगी, मगर मेरा वार खाली क्या, गजल ने तो एक लम्हे में ही पूरा खेल पलट दिया। रूहान खतरे में है, पर हैदर डिजाइंस पे जिम्मेदारियों का बोझ है। ना मैं रूहान को बचा पा रही हूँ और ना हैदर का साथ दे पा रही हूँ। आज तो दिल ही टूट गया दादी अम्मी, जब से गजल घर में निकाह करके आई है ना, तब से कभी हैदर ने गजल की हिमायत नहीं की, मगर आज पहली बार हैदर ने गजल का साथ दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है दादी अम्मी, कहीं गजल ने हैदर की हमदर्दी का फायदा उठा के उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया तो। दुआ, तेरा डर अगर सच साबित हो गया तो क्या करेगी, कुछ सोचा? पता नहीं दादी अम्मी, बस इतना जानती हूँ कि हैदर डिजाइंस को नुकसान नहीं होना चाहिए। हैदर डिजाइंस की बदौलत हमारे खानदान की बुनियाद मजबूत है। बस दो ही काम करने हैं, पहला हैदर का साथ देना और दूसरा गजल को मात देनी है। इतना आसान नहीं है मेरी बच्ची, वो जादूगरनी है। अरे उससे जीत पाना मतलब आधी रात को सूरज खींच लाना, हमारा खेल फिर उल्टा पड़ गया तो। इस बार ऐसा नहीं होगा दादी अम्मी, क्योंकि मैं इस बार खेल बदलने वाली हूँ, इस बार जीत मेरी होगी। बस कुछ दिन की दूरी है इधर, और फिर हम इतने करीब आ जाएंगे जितना कि एक रूह और जिस्म। परेशान क्यों लग रही हो? ओली लिली, बाबू को गुच्छा आला है? वैसे एक बात बताओ दुआ, तुमने अंदर आने से पहले दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, किसी के कमरे में अंदर घुसने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है। मैं अपने हैदर के साथ कुछ तन्हाई के पल बिता रही थी और तुम हो किसी दी अंदर घुस आई। शर्म करो सौतन साहिबा, शर्म करो। मैं और मेरा हैदर, अपनी गंदे जुबान से मेरे हैदर का नाम मत लो। तो लूंगी, हजार बार लूंगी। क्या कर लोगी? हाँ, हैदर मेरा शौहर है, मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। असुनी का नाम तो लेती हूँ मैं, उनके सिवा कोई दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो वो बेवकूफ रूहान। क्या कह रही थी तुम? कि मैं रूहान को खुद अपनी हकीकत बता दूं। दुआ, पछताओगी। मेरी बात ना मान के तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा हैदर डिजाइंस को भुगतना पड़ेगा, घर के कारोबार को भुगतना पड़ेगा, और तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। ना पहनने के लिए ये महंगे महंगे कपड़े होंगे, ना खाने के लिए रोटी, ना बैठने के लिए महंगी गाड़ी होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो जाने दो। ना मुझे खाने के लिए लजीज पकवान चाहिए और ना ही पहनने के लिए महंगे कपड़े।
अगर मेरे हैदर का साथ हो तो मैं दो जोड़ी कपड़े में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। ये घर, ये कारोबार, ये शानो शौकत, पैसा, इस सब की फिक्र तुम करो दुआ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करने आई हूँ, अपने हैदर के साथ रहने आई हूँ, और उसके लिए मुझे फुटपाथ पर भी रहना पड़ेगा तो रह लूंगी। क्या देख रही हो, जाने के पैसे लोगी क्या? अरे मुझे अपने हैदर के साथ बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, प्यारे पल बिताने। जाओ। अरे देख क्या रही, निकलो यहां से, निकलो, अरे निकलो यहां से। ये तो कॉन्टैक्ट्स लो, अपकमिंग डिजाइनर्स हैं, इनसे बात करो, अगर ये अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा होगा। जी भाई। हाय मनीष, आई नीड योर हेल्प। कोई बात नहीं। भाई सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कैसे परेशान नहीं हूं, जितने भी मैं ब्राइडल फैशन डिजाइनर्स को जानता हूं, ऑलरेडी किसी ना किसी फैशन स्टूडियो ने उन्हें हायर कर दिया फैशन वीक के लिए। मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है और हमारे पास वक्त भी नहीं है, ऐसे में कोई अनजान फैशन डिजाइनर भी नहीं मिल रहा है, और अगर कोई फैशन डिजाइनर मिल भी गया तो दुआ जितना अच्छा नहीं होने वाला। आपके लिए हंसते हंसते अपनी जान भी दे सकती हूँ हैदर, मगर इस बार आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझसे बेहतर कौन जानेगा कि ये ब्राइडल फैशन वीक का ओपनिंग एक्ट होस्ट करने का मौका जीतना आपके लिए कितना जरूरी है, मगर मैं भी क्या करूँ, मैं जो चाहती हूँ उसके लिए मुझे मुझे हार भी मंजूर है। कितनी आस भरी निगाहों से देख रहा है मेरा बेटा, लेकिन मजा ले, पत्थर को पसीना आ जाए। हैदर, इससे कोई उम्मीद मत रखना तुम, गैरों से मदद लेना, लेकिन इसकी तरफ मुड़ के भी मत देखना तुम, कमजोर कहीं की, इसे तो बस दो ही काम आते हैं, मुंह की रोटियां तोड़ना और मेरी गजल को जलील करने के मौके ढूंढना। देखो तो कैसे सुकून से बैठी है ये। अम्मी आप चलो। अम्मी 100 साल जिएगी तू, तेरे बारे में ही सोच रही थी मैं। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा अम्मी, आप अपना दिल क्यों जला रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मौत आ जाएगी। अम्मी मौत कबूल है मुझे, लेकिन मेरे बेटे की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। तुम देख रही हो ना कितना परेशान है मेरा हैदू। अम्मी बेदिलों से उम्मीद लगा कर ना यही होगा। बहुत कर ली इसकी मिन्नतें, बहुत जोड़ लिए हाथ पैर, लेकिन अब नहीं। अब मैं इस दुआ को बताऊंगी कैसे इसके बिना हमारी जिंदगी भी चल सकती है और हमारा कारोबार भी चल सकता है। बगैर कारोबार चलाओगी क्या मनहूस? सुई में धागा पिरोना भी आता नहीं है इसे, और अभी वो क्या बोलती कपड़ों पे डिजाइन बनाने का इरादा है। ये ना कपड़ों का काम करना तेरे बस की बात नहीं है, समझी? हाँ हाँ, ये सब करना नहीं आता है मुझे दादी अम्मी, मगर दूसरों से काम करवाना बहुत अच्छे से आता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपनी तालीम इस्तेमाल करना अच्छे से जानती हूँ। हैदर, हैदर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। शुक्रिया दादी कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। लेकिन इसमें तुम भी नहीं कुछ कर पाओगे। It's okay. हैदर
हैदर, एक मौका दीजिए, मैं अपनी जान लगा दूंगी, आपको अफसोस नहीं होगा, बस एक मौका दीजिए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तुमसे नहीं हो पाएगा गजल। और वैसे भी वक्त बहुत कम है, प्लीज इस बारे में और बहस मत करो। है तू बेटा, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना हमारे पास। क्या हर्ज है गजल को एक मौका देने में? हो सकता है खुदा के करम से गजल कोई करिश्मा कर दिखाए। लेकिन अम्मी, मान जा मेरी जान, अल्लाह मियाँ की भी यही मर्जी है, दे दे गजल को एक मौका। नहीं हैदर, गजल को अपने कारोबार में शामिल मत कीजिए, ये सब कुछ खत्म कर देगी।